तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में डेटा एंट्री, स्टेनोग्राफर से लेकर रजिस्ट्रार तक की वैकेंसीज निकाली है। इन वैकेंसीज को कैसे अप्लाई करना है, कब इसका नोटिफिकेशन आया, कहाँ कहाँ ये वैकेंसीज किस किस डिपार्टमेंट में निकली हुई हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में ये वैकेंसीज निकली हुई हैं, आज की वीडियो में ये सारी डिटेल्स वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक आपकी सपोर्ट चाहिए, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। और अगर आप ना है तो चैनल को चेकआउट भी कर सकते हैं। 1936 में टिस फाउंड किया गया था, इस्टेब्लिश हुआ था। 2022 में NIRF यूनिवर्सिटी की जो रैंक आई थी उसमें 60 रैंक मिली थी इसको, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को। अब इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज है वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन नज़र आ रहा होगा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। नॉन टीचिंग पोजीशंस का ये नोटिफिकेशन है और 26 जून 2023 लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की। अब इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज है, रजिस्ट्रार जनरल में एक वैकेंसी है, एस आई डिप्टी लाइब्रेरियन की एक वैकेंसी है जनरल में हैदराबाद कैंपस के अंदर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की एक वैकेंसी है और ये भी जनरल के अंदर ही है, असिस्टेंट मैनेजर पब्लिकेशंस की एक वैकेंसी है जनरल के अंदर, और एस आई सिस्टम एनालिटिक कम प्रोग्रामर की वैकेंसी एक है ST के अंदर है, हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी एक निकली हुई है OBC के अंदर है, फील्ड वर्क कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी निकली हुई है एक जनरल के अंदर, सेक्शन ऑफिसर की 3 वैकेंसी निकली हैं जिसमें से एक जनरल के अंदर है, एक OBC के लिए और एक EWS के लिए। ऐसे ही सेक्शन ऑफिसर सिक्योरिटी की एक ST के अंदर वैकेंसी है, प्रोग्रामर की एक जनरल के अंदर वैकेंसी है, ऐसे ही सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की एक वैकेंसी है जनरल के अंदर, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड की 5 वैकेंसी है जिसमें 3 एक जनरल के अंदर है, एक OBC के अंदर है, एक ST के अंदर है। ऐसे ही काफ़ी सारी वैकेंसीज और नज़र आ रही होंगी। डेटा एंट्री ऑपरेटर की 2 वैकेंसी हैं, एक ST के अंदर है, एक EWS कैटेगरी के अंदर है। ऐसे ही लोअर डिविजनल क्लर्क की वैकेंसी है, टोटल 5 वैकेंसी, वो भी कैटेगरीज वाइज इसमें डिफाइन कर रखा है। अब देखिए इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। क्वालिफिकेशन एक मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, हर डेजिग्नेशन की क्वालिफिकेशन कॉलम वाइज बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, वहाँ से जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं नोटिफिकेशन को। ये रजिस्ट्रार की वैकेंसी एक निकली हुई है जनरल के अंदर निकली हुई है, क्लासिफिकेशन ग्रुप ए में ये वैकेंसी है, लेवल पे स्केल जो मिलेगा इसमें लेवल 14 पे स्केल मिलेगा और एज जो होनी चाहिए 57 साल से कम होनी चाहिए आपकी। टेन्योर रहेगा जो पीरियड रहेगा वो 5 ईयर्स का रहेगा आपका। और देखिए ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें मास्टर डिग्री चाहिए, 55% आपके मार्क्स होने चाहिए और ग्रेड बी UGC जो 7-point स्केल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, एटलीस्ट 15 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का होना चाहिए एकेडमिक लेवल 11th में या उससे ज़्यादा, या फिर 8 साल का सर्विस और द एकेडमिक लेवल 12 में, या फिर इंक्लूडिंग एसोसिएट प्रोफेसर अलोंग विद एक्सपीरियंस एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए ये सारी इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, डिजायरेबल क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं, आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, जो आपको सूटेबल हो, जिसकी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हो उसके अकॉर्डिंग आप वैकेंसी चेकआउट कर सकते हैं इसमें। ऐसे डिप्टी लाइब्रेरियन के अंदर में अलग अलग क्वालिफिकेशन है, असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है, सिस्टम एनालिटिक की वैकेंसी है, ऐसे ही फील्ड वर्क कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी, सेक्शन ऑफिसर की, ये सब आपको दिखाई भी दे रहा होगा स्क्रीन पर, ये सब कॉलम में डिफाइन कर रखा है एक एक वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल। अब मैं आपको ये बता देता हूँ इसको अप्लाई कैसे करना है आपको। इसमें एज रिलैक्सेशन का भी कॉलम दे रखा है, उसमें एज डिवाइड कर रखी है, एज को पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। अब देखिए SC ST को 5 साल की रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का है, PWD को 10 साल का रिलैक्सेशन है, PWD प्लस एंड OBC को 13 साल का, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी। अब देखिए इसमें क्राइटेरिया दे रखा है किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें ऑनलाइन फिल करनी है। अब देखिए आपको जो करना है, द एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड पर्सन मे अप्लाई ऑनलाइन फॉर्मेट अवेलेबल और इन द इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन फॉर्मेट इसका पड़ा हुआ है, वहाँ जाके इन वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। www.tiss.edu पे जाके आप इन वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फी 1000 रुपये रहेगा फॉर जनरल OBC EWS के लिए, 500 रुपये रहेगा SC ST PWD कैंडिडेट के लिए, दिव्यांग कैंडिडेट के लिए, और ये ऑनलाइन ही पेमेंट होगा। अगर फीमेल कैंडिडेट हैं आप तो आपके लिए कोई फ़ी नहीं है, मतलब फ़ी इज़ वेव्ड ऑफ फॉर फीमेल कैंडिडेट। शॉर्ट पेमेंट, डिलेट पेमेंट, अब ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें देखिए लास्ट डेट भी दे रखी है और इसमें ऑनलाइन ओपन का भी दे रखा था
26 मई 2023 को ये ऑनलाइन स्टार्ट हो गए थे अप्लाई करने का। अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं recruitment@tis.edu पर जाकर आप मेल भेज सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आती है इसमें अप्लाई करने में या किसी भी तरीके की। बाकी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, और अगर कहीं आपको दिक्कत आती है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच होने के बाद ही इन वैकेंसीज को अप्लाई कीजिएगा। तो होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ऐसे ही बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, फिर नेक्स्ट वीडियो